नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट स्कूलिंग बाय प्रवीण मनी। ये वन ऑफ द एक चैनल है ये PM एजुकेशनल एकेडमी का। PM एजुकेशनल एकेडमी के अंडर 5 चैनल्स है। तो पहला है ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग बाय प्रवीण मनी, वो जहाँ पे मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की जानकारी दूंगा। दूसरा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट योर मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन तीसरा चैनल है MPSC और UPSC ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी, जिसमें मैं मराठी में बातचीत करूँगा रिलेटेड टू द MPSC एंड UPSC एग्ज़ाम्स और KG to PG लर्निंग। इसमें आपके फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 12 मैथ, साइंस, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट के ऑडियो वीडियो लेक्चर्स उस चैनल पे पोस्ट करूँगा। और अगर आपको ऑफलाइन ट्यूशन चाहिए तो ट्यूशन भी दे सकते हैं। या और ये मेरा दो टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग बाय PM एंड सिविल सिविल इंजीनियरिंग, ये दो टेलीग्राम चैनल है। लिंक्डइन प्रोफाइल भी है मेरा और रिसर्च गेट प्रोफाइल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये URL लिंक है मेरे चैनल के जो PM एजुकेशनल एकेडमी के अंडर है। ये हमारा फैकल्टी प्रोफाइल है और आप हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस चैनल के माध्यम से और इस एकेडमी के माध्यम से मैं आपको क्या दे सकता हूँ और एकेडमी आपको क्या देगी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर प्रवीण पी मानी। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग आप डिग्री पास करते हो या डिप्लोमा पास करते हो तो उसके बाद आप एक अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हो। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको जो भी जानकारी अभी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, यही इतनी ही जानकारी अगर आपके पास है और आप इस्टीमेशन कर सकते, रेट एनालिसिस कर सकते, मटेरियल के रेट क्या है, डेली रेट्स आपको पता होंगे, तो आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं सिविल इंजीनियर। उसमें आप अभी तो 1,500 स्क्वायर फिट का परमिशन भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर ही देने वाला है, तो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑल होल एंड सोल, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आप डिज़ाइन एंड ड्राइंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक सब आप कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन एंड ड्राइंग आपको करना है तो आपको सिर्फ लाइसेंस निकालने हैं। आप जिस भी एरिया में गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर आपका एरिया है वहाँ से आप लाइसेंस निकाल सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग लाइसेंस आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद। और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड IEI, ये इंस्टीट्यूशन की अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको ये लाइसेंस पहले ही मिल जाते हैं। आपको कुछ कोई भी और लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिविल इंजीनियरिंग के हर काम कर सकते हो, मतलब जहाँ से लेके कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड ड्राइंग से लेके कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, पहला जो पहली स्टेप है वहाँ से लेके लास्ट के स्टेप तक आप कर सकते हो ओवरऑल ओवरऑल। तो आपको क्या जानना चाहिए, आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इस्टीमेशन आना चाहिए, कॉस्टिंग आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए M20। अभी M20 में 20 क्या है, M क्या है, तो M20 में कितने बैग सीमेंट लगते हैं, वो वही जानकारी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सिर्फ इतनी जानकारी, जितनी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उतनी अगर आपको मिलेगी, आपको रहेगी, आपके पास रहेगी, तो आप आपका खुद का बिजनेस कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो एज ए सिविल इंजीनियर, कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर बोथ आप कर सकते हो। तो अभी नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, सैंड एंड एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कॉन्क्रीट ग्रेड्स, सो ग्रेड यहाँ पे दिए, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट। सो सीमेंट M20 ग्रेड के लिए सीमेंट 8.2 बैग, सैंड 15.01 क्यूबिक फीट, एग्रीगेट 30.16 क्यूबिक फीट। M15 के लिए, M15 मीन्स M इज द मिक्स एंड 15 इज द 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। सो 6.4 बैग्स, 15.82 क्यूबिक फीट सैंड एंड एग्रीगेट 31.65 क्यूबिक फीट।
M10 4.5 bag cement, 16.64 क्यूबिक फीट सैंड एंड 33.27 क्यूबिक फीट एग्रीगेट, M7.5 एंड M5 रिस्पेक्टिवली। आप अगर ये बात देख लेते तो जैसे ग्रेड कम हो जाती है, सीमेंट बैग कम हो जाते हैं, सैंड बढ़ती जा रही है और एग्रीगेट ऑल्सो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आ जाता है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप पहले कंटेंट निकाल सकते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी सब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो वो आप सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये वीडियो में जितना बताया उतना आप कीजिए, आप कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। देन वेट ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट रिक्वायर्ड पर 50 kg सीमेंट बैग ऑफ डिफरेंट कॉन्क्रीट ग्रेड्स। सीमेंट का एक बैग का वॉल्यूम 50 kg, वेट 50 kg होता है। सीमेंट का एक बैग का वेट 50 kg होता है, उसका वॉल्यूम 0.034 क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ पे हमें 50 kg बैग, एक बैग के लिए सैंड कितना केजी लगेगा, अगर केजी में भी हम निकाल सकते तो M20 के लिए वन बैग के लिए 85 kg सैंड और एग्रीगेट 170 kg। सेम वे M15 के लिए, M10 के लिए, M7.5, M5। सो M20 के लिए हमें कितने बैग लगते हैं, पहले इसमें दिखा है हमने 8.2 बैग। तो 8.2 बैग मतलब कितना केजी हो गया, तो एक बैग के लिए इतना, तो इसको 8.2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 8.2 से मल्टीप्लाई करना है, उतना M20 के लिए हमें सीमेंट के हिसाब से सैंड और एग्रीगेट लगेंगे। सेम थिंग आपको बाकी ग्रेड के लिए करनी है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल अभी एज पर IS 456, IS 456 2007, उसके हिसाब से हमें ग्रेड ऑफ सीमेंट हम कौन सी यूज करते हैं, M25 फॉर RCC कॉन्क्रीट। RCC कॉन्क्रीट के लिए हम M20 ग्रेड यूज करते हैं। देन सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कॉन्क्रीट ग्रेड इन किलोग्राम एंड क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे हमने कंक्रीट कितना, कंक्रीट के लिए कितना केजी सीमेंट लगेगा और ये सैंड एग्रीगेट इतने लगेंगे। सेम थिंग आया हो गिवन ईयर, मतलब मैंने यहाँ पे दी है। यहाँ पे सीमेंट पहला जो टेबल है, पहला टेबल 8.2, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, इसको 50 से, इसको 50 से और इसको 50, क्योंकि एक बैग का वेट कितना है, 50 kg, इसलिए तो केजी में आ गया हम। तो ये हमारा फाइनल टेबल आ गया। फिर उसके बाद इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में निकालने क्वांटिटी। सो सीमेंट M20 के लिए इतना क्यूबिक मीटर, 15 के लिए इतना क्यूबिक मीटर, 10, M7.5 एंड M5, और सैंड इतना क्यूबिक मीटर। कन्वर्जन आपको कन्वर्जन आना चाहिए, सैंड कन्वर्जन क्यूबिक मीटर, हाउ वी आर कन्वर्टिंग क्यूबिक मीटर टू क्यूबिक फीट और क्यूबिक फीट टू क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट और स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर, फीट टू मीटर। सो वो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। वो कन्वर्जन में आपको पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कन्वर्जन, फिर भी अगर आपको वो वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, अगर आपको फिर भी लगे तो मैं फिर, आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं फिर और एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली कन्वर्जन पे, यूनिट कन्वर्जन रिक्वायर्ड फॉर सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूनिट कन्वर्जन बहुत ही मायने रखता है, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। उसके बाद ये आपका है लेबर प्रोडक्टिविटी फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। लेबर अभी हमने देखा मटेरियल कितना लगता है, तो उसके बाद हमें लेबर कितना लगता है, उसके बाद हमें अमाउंट मनी कितना लगता है, ये हमें पता चल जाएगा, और उसके बाद हम लोग हमारा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये ब्लॉग लिखा है मेरे दोस्त ने, उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो पहले द लेबर प्रोडक्टिविटी कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ साइट, साइट कंडीशन एंड वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। लेट्स एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेज इन सॉफ्ट सॉइल लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर। मतलब आपको 1.5 मीटर डेप्थ है उसका, गड्ढा खोदना है आपको, और 50 मीटर तक वो मिट्टी आपको ले जाके डालनी है। तो उसमें कितना पर मजदूर आपको 2.27 मीटर क्यूब काम करना चाहिए दिन का, एक दिन में एक मजदूर 2.27 मीटर क्यूब
क्वांटिटी निकालनी चाहिए। देन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेज इन हार्ड सॉइल लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट 1.5 मीटर, तो उसमें एक मजदूर 2.10 मीटर क्यूब का काम करता है, इतनी मिट्टी वो निकाल लेता है। देन एक्सकेवेशन इज सॉफ्ट एंड डिकम्पोज रॉक बाय ब्लास्टिंग लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर, इसमें एक मजदूर 0.55 मीटर क्यूब काम करता है। सैंड फिलिंग इन प्लिंथ कंसोलिडेशन एंड ड्रेसिंग, तो इसमें 4.0 मीटर क्यूब पर मजदूर, एक मजदूर 4 मीटर क्यूब काम कर सकता है, क्वांटिटी का काम करना चाहिए एक दिन में, तो ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें एक कितना लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्ट, तो अदरवाइज आपका खर्चा बढ़ जाएगा, अदरवाइज आपका खर्चा बढ़ जाएगा। देन सिंगल लेयर ब्रिक फ्लैट सोलिंग इंक्लूडिंग रैमिंग एंड ड्रेसिंग द बेड, उसमें 9 स्क्वायर मीटर पर मजदूर, एक मजदूर 9 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी का काम करता है। देन लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, एक मेसन 10 मीटर क्यूब इतना लाइम कॉन्क्रीट फाउंडेशन में डाल सकता है एक दिन में। ये एक दिन में एक लेबर का काम है, एक लेबर एक दिन का, जो भी है एक लेबर एक दिन का, और एक मेसन एक दिन का। मेसन क्या है, मजदूर क्या है, ये अपना मिस्त्री और कारपेंटर फिटर, ये सब मैंने एक वीडियो में बता दिया है, फिर भी अगर आपको कमेंट करो आप, मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। देन प्लिंथ फिलिंग क्या होता है, कंसल्टेशन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो भी मैंने एक वीडियो में बता दिया है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट एक मेसन 5 मीटर क्यूब सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क करता है एक दिन में। सीमेंट कॉन्क्रीट 1-2-4 फॉर RCC वर्क, एक मेसन 3.25 मीटर क्यूब सीमेंट कॉन्क्रीट RCC वर्क कर सकता है एक दिन में। देन ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, एक मेसन 1.25 मीटर क्यूब एक दिन में ब्रिक वर्क फाउंडेशन और प्लिंथ की ब्रिक मेसनरी पूरी कर सकता है। देन ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, एज यू नो सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर क्या है, प्लिंथ क्या है, ये एज अ इंजीनियर फ्रेश इंजीनियर आपको मालूम होना चाहिए। प्लिंथ क्या होता है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को अलग करता है। सब स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी बिल्डिंग का पार्ट बिलो प्लिंथ होता है, और फाउंडेशन कहते हैं उसको, और जमीन के अंदर जो चला जाता है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जो और सुपर स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का पार्ट ऊपर होता है, अबाउट द प्लिंथ बीम होता है, और हमें अपनी खुली आंख से दिखता है, और सब एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट को ये होता है एक्सपोज होता है, वो पार्ट को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें अगर ब्रिक मेसनरी करनी है तो एक मेसन 1.10 मीटर क्यूब पर दिन में, एक दिन में एक मेसन 1.10 मीटर क्यूब क्वांटिटी का काम करता है। अगर आपको ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप ये चैनल रेफर कीजिए, बहुत से और वीडियो है, आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में एस्टिमेशन कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट है, तो वो भी देख सकते हैं, और ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। देन हाफ ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल का अगर हाफ ब्रिक है तो एक मेसन एक दिन में 7 स्क्वायर मीटर काम करता है। देन ब्रिक वर्क इन प्लिंथ आर्च, आर्च का काम है, तो एक मेसन एक दिन में 1 मीटर क्यूब का काम करता है। रेनपोस्ट ब्रिक वर्क इन स्लैब 1 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे, तो एक दिन में एक मेसन 1 मीटर क्यूब का काम करता है। रेनपोस्ट ब्रिक वर्क इन स्लैब, रेनपोस्ट ब्रिक वर्क मीन्स जैसे हम रेनपोस्ट सीमेंट कॉन्क्रीट होता है, वैसे ब्रिक की जो वॉल होती है उसमें हम रेनफोर्समेंट इंसर्ट कर देते हैं, एनफोर्स कर देते हैं। देन 2.5 सेंटीमीटर थिक डैम प्रूफ कोर्स DPC सीमेंट कॉन्क्रीट, उसमें 12.50 स्क्वायर मीटर पर मेसन, एक मेसन 12.50 स्क्वायर मीटर इतना DPC सीमेंट कॉन्क्रीट कर सकता है। देन 2 सेंटीमीटर थिक DPC सीमेंट मोर्टार, उसमें 20 स्क्वायर मीटर एक मेसन पर डे। रैंडम रबल मेसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ 1 मीटर क्यूब पर मेसन, कौन सी क्वांटिटी मीटर क्यूब में लेनी है, कौन सी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में लेनी है, कौन सी क्वांटिटी रनिंग मीटर में लेनी है, ये भी मैंने एक वीडियो में बता दिया है, वो भी आप वीडियो देख लीजिए। देन रैंडम रबल मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर 0.90 मीटर क्यूब पर मेसन, एक मेसन 0.90 मीटर क्यूब की रैंडम रबल मेसनरी का काम करता है सुपर स्ट्रक्चर में पर डे। एशलर मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर 0.40 मीटर क्यूब
मेसन, एक मेसन 0.40 मीटर क्यूब का एस्लर मेसनरी का एक दिन में काम करता है। देन कोस्ट रबल मेसनरी सुपर स्ट्रक्चर, कोस्ट रबल मेसनरी है तो 0.67 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे। देन ब्रिक वर्क, ब्रिक ऑन एज फ्लोर विथ सीमेंट मोर्टार 1 स्क्वायर मीटर पर मेसन पर डे। ब्रिक ऑन एज फ्लोर, ब्रिक ऑन एज फ्लोर विथ सीमेंट मोर्टार 1 स्क्वायर मीटर पर मेसन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, वो कौन सी, तो उसमें आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए। रेट एनालिसिस का भी ऐसा ही वीडियो में एक बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो बनाऊंगा मैं और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप ये 2-3 वीडियो देखेंगे और एक चैनल रेफर करेंगे, मतलब इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से मैं वीडियो बनाए हैं, अगर वो आपको जो भी है, आप एज अ पॉकेट गाइड यूज कर सकते हैं ये चैनल को, आप पॉकेट गाइड यूज कर सकते हैं। वो चैनल ये है, पहला ही चैनल है www.youtube.com/c/प्रवीण। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की हर एक जानकारी मिल जाएगी, हर एक छोटी से छोटी चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो और 2 वीडियो में बनाने वाले हो उसके बाद, तो ये तो रहेगा यूनिट कन्वर्जन का, यूनिट कन्वर्जन का, और अगला वीडियो रहेगा आपको रेट एनालिसिस का, रेट एनालिसिस यूनिट कन्वर्जन का, और ये वीडियो। अगर आप ये 3 वीडियो अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से, तो आपको मेमोराइज भी करना है और आपको उसका समझ लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद जैसे आप काम करेंगे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है कभी भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल दिया है मेरा, मेल कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन चैनल मैंने ये दिया है, ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, और ये मेरा डिटेल है, सब डिटेल्स दिया है, ये सब इंफॉर्मेटरी चैनल से। ये फैकल्टी प्रोफाइल है, फोटोज अभी तक मैंने इसलिए नहीं डाले कि जब भी ये इंफॉर्मेशन सब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं यहाँ पे फोटोज डाल दूंगा। ये मेरे फ्रेंड्स है, वो भी इसमें वीडियो डाल देंगे, उन वो भी इसको, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, कोई एनवायरमेंटल इंजीनियर है, कोई ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है, मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मेरा स्पेशलाइजेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है विथ एक्सपीरियंस 15 ईयर्स। सो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और ये चैनल आप अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो सिविल इंजीनियर को नेसेसरी है, फ्रेशर सिविल इंजीनियर को, और जो भी सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर है इंजीनियरिंग के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब्जेक्ट है उनके, ऑल द सब्जेक्ट है। आपको प्रोजेक्ट में गाइड गाइडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते तो रिसर्च गेट प्रोफाइल है वहाँ पे दिए, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। गूगल स्कॉलर आईडी है मेरा, वो भी आपको इम्पोर्टेंट, गूगल स्कॉलर आप रिसर्च पेपर रेफर कर सकते हैं मेरे, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लर्न दिस एंड स्टार्ट योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस। थैंक यू।